दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हुंडई का i20 है, इलाइट i20 है, 2014 का मॉडल है, स्पोर्ट्स है। तो इसका सक्शन वाला पाइप, एयर कंडीशन का जो सक्शन वाला पाइप रहता है ना, वो लीक हो गया है। तो इस वजह से मैं इसका सक्शन वाला पाइप रिप्लेस करने वाला हूँ। कूलिंग बहुत कम हो रही है, माइनर कूलिंग हो रही है, जो कि ये वाली रही इसका सक्शन पाइप, होस पाइप। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें लिक्विड पाइप भी रहता है और सक्शन पाइप भी रहता है, दोनों रहता है, मिक्स मिला हुआ रहता है। इसमें देख पा रहे हैं, तो चलो फिर मैं सबसे पहले बाहर आपको दिखा देता हूं कि कहां से लीक हुआ है। चलो फिर बाहर चलते हैं हम और आपको लीक दिखा देता हूं कहां से लीक हुआ है। और इसका प्राइस लगभग आपको 4,000-4,4500 के बीच में आएगा, 4,000-4,500 के बीच में आएगा। तो चलो फिर मैं बाहर आपको पहले दिखा देता हूँ कहाँ से लीक हुआ है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हाई लो दोनों लगा के रखा हूँ और लीकेज देख लीजिए आप, यहाँ से लीकेज हुआ है, ये वाला पाइप सक्शन होल। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से लीकेज हो गया, इसलिए माइनर में गैस निकल जाता था, लगभग 4-5 महीने में गैस निकलता था, बहुत माइनर लीक है। और नीचे वाला पाइप जो देख रहे हैं, वो भी लीक हो गया है, दोनों पाइप लीक हो गया इसका, एक ही जॉइंट रहता है। तो चलो इसमें गैस, थोड़ा बहुत गैस है, उस गैस को मैं रिकवर कर लेता हूँ, रिकवरी में लगा देता हूँ, गैस निकल जाएगा। थोड़ा बहुत गैस है तो उसको रिकवरी में लगा देता हूँ, फिर गैस निकालने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं गैस रिकवरी करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पाए, रिकवरी अपना कंप्लीट हो चुका है और मैं पाइप खोल रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, दोनों 10 नंबर खोलना पड़ेगा और यहाँ दिया है एक ब्रैकेट में 10 नंबर नट, एक यहाँ रहेगा 10 नंबर नट, और ये पाइप नीचे वाला पाइप में 12 नंबर नट रहेगा, सॉरी बोल्ट रहेगा। तो खोलता हूँ, खोल के पाइप बाहर निकाल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली पाइप खोल दिया हूँ मैं, और ये माउंटिंग खोलना नहीं पड़ता ये वाली मॉडल में। जैसा कि देख पा रहे हो, सब खुल चुका है और पाइप खोल के ये यहाँ रहती है प्रेशर स्विच, पाइप खोल के मैं बाहर निकाल दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें नए वाले पाइप में देख रहे हैं, नए वाले पाइप में एक्सपेंशन वाल दिया है, प्रेशर स्विच भी दिया है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली पाइप वगैरह सब बोल्ट वगैरह फिट कर दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, नई पाइप फिट हो चुकी है, होस पाइप। तो इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर भी मार के रखा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं, 300 का प्रेशर मार रहा हूँ दोनों में, हाई लो दोनों में देख लीजिए, और हाई लो दोनों लगा हुआ है। तो चलो आधा घंटा के लिए हम होल्ड रखते हैं और आधा घंटा बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, हाई लो दोनों लगा हुआ है और प्रेशर में जितना मारा था उतना ही होल्ड है, कहीं से भी ज़रा लीक नहीं हुआ है। तो चलो फिर मैं इसका प्रेशर छोड़ देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे, प्रेशर 0-0 हो गया, तो मशीन ऑफ है अभी, ऑन करता हूँ मैं इसको, ऑन हो चुका, प्रेशर भी देख लीजिए 0-0 हो गया है। तो चलो फिर सबसे पहले मैं इसको रिकवरी में लगा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी लगाना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेशर मार के लीक टेस्ट करेंगे तो भी रिकवरी लगाना ही पड़ेगा। तो रिकवरी होने देते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे, रिकवरी कंप्लीट हो चुका अपना, इसमें गैस को ले लेता हूँ, सॉरी वैक्यूम में ले लेता हूँ, 10 मिनट के लिए वैक्यूम करता हूँ पहले। तो चलो फिर 10 मिनट बाद अपन मिलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अपना वैक्यूम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल देता हूँ, 50 ml ऑयल डाल देता हूँ, क्योंकि पाइप न्यू शॉर्ट पाइप डाला हूँ इसके वजह से। तो गैस ऑयल इंजेक्ट भी हो गया, अब गैस चार्जिंग को ले लेता हूँ। 450 ग्राम गैस डालूँगा इसमें मैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, गैस फिल हो रहा है, लगभग हो गया। तो चलो फिर मैं अंदर आपको जाता हूँ गाड़ी के अंदर, गाड़ी चालू करके कूलिंग टेम्परेचर। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे, फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी चालू है अभी। जैसा कि देख पा रहे हैं, आउटसाइड का टेम्परेचर देखिए 33 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। तो मैं इसका एसी ब्लोअर वगैरह चालू रखा हूँ, ब्लोअर चालू है जैसा कि देख पा रहे हैं, 3 की स्पीड में, और एसी ऑन है, देख पा रहे हैं।
लाइट ग्लो कर रहा है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 3.7 डिग्री, 3.8 डिग्री और भी ड्रॉप हो रहा है, तो देखते हैं कितना तक ड्रॉप हो रहा है। वाह कितना कूलिंग हो रहा है देख रहे हैं आप, 2.6, 2.5, 2.3 पे आ चुका, 2.2, 2.1, 1.9 पे आ चुका है अभी, 1.8, 1.6, 1.5, 1.3, 1.1 अभी जाके ट्रिप मारा है कंप्रेसर, 0.9 पे आ चुका, 0.8 ट्रिप मार चुका है कंप्रेसर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 1 पे आ चुका था इसका कूलिंग टेम्परेचर, i20 में कितना मस्त कूलिंग दिया है, 1 पे आ चुका था कूलिंग, जो कि 0 में बर्फ बनने लगता है 0 डिग्री पे, तो कितना मस्त कूलिंग हो रहा है। अभी 3 पे आ चुका वापस से, 3.2 बढ़ेगा अभी वापस से, चालू स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होगा कंप्रेसर। तो दोस्तों ये सब चीजें ना मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए क्या हो रहा है, क्या लीकेज होता है, कैसे गैस निकल जाती है या फिर कूलिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, गैस का क्या ये रहता है। तो ये सब चीज सिर्फ आपको समझा दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। जब आपको चीजें समझ में आए ना तो आप किसी के पास जाओगे ना तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है या फिर कुछ भी बोल के भगा नहीं सकता है। वहाँ आप सामने उसके सामने होकर के जहाँ सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे तो उसके सामना करके आप दो बात बोल के आ सकते हैं अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ जाए तो। तो जैसा कि मैंने ये पाइप दिखाया आपको देख पा रहे लीक हो चुका है, यहां से भी लीक हो चुका था, रिप्लेस करके दिखाया और इसका प्राइस भी बताया कि 4 से 4.5 हजार के बीच में आ जाएगा ओरिजिनल पाइप। इसमें आपको एक्सपेंशन वाल भी देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं उधर है एक्सपेंशन वाल, पाइप खोल के मैं आकरा टेकरा कर दिया हूं और ये रही प्रेशर स्विच, ये दोनों साथ में आएगा। तो आपको आशा करता हूँ कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, 100 में से नहीं तो 50% कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।